हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं कई दिनों से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मैं इंटरनेट यूज करने के लिए जनरली अपने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज करता हूँ अपने कंप्यूटर में, लेकिन मुझे एक दिक्कत आ रही है, कई दिनों से आ रही थी। जब भी मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा था तो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, जिससे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था अपने कंप्यूटर में और मैं कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा था। तो ये मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कई दिनों से। मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च किया, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हैं वो सारे के सारे सुपरफिशियल हैं। सुपरफिशियल बोले तो बेकार हैं, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। मे भी किसी किसी का हो जाए, बट आई एम श्योर कि सबका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। सब ने एक ही मेथड बता रखी है, 1 मिनट का वीडियो है सबका, 1 से 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं मिलेगा। सब ने एक ही प्रोसेस को कॉपी किया है और उसी चीज़ को रिपीट किया है। लेकिन गाइस, इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, इसे एक तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके कई सारे समस्याएं, कई सारे कारणों से आप मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो हम सभी कारणों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे, सभी कारणों का सॉल्यूशन भी बताएंगे, आपको कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है पूरी डिटेल में। तो गाइस, इसका मेन 5 कारण हो सकते हैं, मेन 5 कारण जिससे आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक क्लोज हो सकता है। तो चलिए इन कारणों के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक जानते हैं डिटेल में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मेरा वादा है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ है गाइज, पहला चीज़ तो है कि आप जो जनरली बताया गया है यूट्यूब पर, सभी लोग बताते हैं कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए। तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकअप एंड रीसेट का, तो आपको बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट, नेटवर्क सेटिंग रीसेट पर क्लिक करना है, और नीचे आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका मोबाइल का जो भी पैटर्न, पिन या पासवर्ड होगा उसे आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा जो नेटवर्क का सेटिंग है वो रीसेट हो चुका है। तो गाइज, ये प्रोसेस तो मैंने बताया, ये प्रोसेस यूट्यूब पर करीब करीब सब लोगों ने बता रखा है। जितना भी वीडियो है यूट्यूब पर, सब वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बताया गया। तो ये हो सकता है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं गाइज, हमेशा नहीं होगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो देखिए, अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो और मेथड मैं बताता हूँ, आपका प्रॉब्लम पक्का सॉल्व होगा वीडियो को देखने के बाद। तो दूसरा मेथड की ओर मैं चलता हूँ। देखिए, दूसरा मेथड है कि आप अपने वाईफाई हॉटस्पॉट के, सॉरी मेरा वाईफाई ऑन हो गया था, इसे मैं बंद कर लिया। आप हॉटस्पॉट सेटिंग में जाइए। हॉटस्पॉट सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ, मेरा डाटा ऑन था। यहाँ पर आपको टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वाईफाई हॉटस्पॉट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कीप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन, इस पर क्लिक करना है। ये जो सेटिंग है, इसमें जो होता क्या है,
कि आपका कभी कभी टर्न ऑफ आइडल फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐसे करके सेट रहता है। अगर यहाँ पर आपको कोई इस तरीका से सेट है तो इसे आप ऑलवेज में रखिए, हमेशा ऑलवेज, या हो सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन आपके मोबाइल फोन में ऑप्शन आ रहा हो, तो कीप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन ऑलवेज, यहाँ पर आपको ऑलवेज कर देना है। दूसरा सेटिंग तो ये हुआ, दो सेटिंग आपका हो चुका। अब आपने करना क्या है, ये दो सेटिंग आपका हो चुका, अब तीसरा सेटिंग की ओर चलते हैं। तीसरा सेटिंग है दोस्त, आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन का जो कैचे है वो क्लीन कर देना है, पूरा क्लियर कर देना है कैचे को। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के फिर से सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको डेटा एंड डेटा यूजेज, सॉरी डेटा यूजेज नहीं, स्टोरेज पर आपको क्लिक करना है। किस पे? स्टोरेज पे। स्टोरेज पर आपको क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, क्लियर सॉरी कैश्ड डेटा, कैश्ड डेटा का, कैश्ड डेटा पर आपको क्लिक करना है और आपको इसे क्लियर कर देना है। ओके करके देख सकते हैं क्लियर हो रहा है, तो आपका कैचे डेटा जितना भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इसे क्लियर करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। ये हुआ तीसरा मेथड। और एक चौथा मेथड की ओर हम चलते हैं, और चौथा मेथड है आप अपने मोबाइल फ़ोन को सेफ मोड में ले जाइए। हो सकता है कभी कभी कई सारे ऐप्स होते हैं जिसे गड़बड़ सड़बड़ ऐप्स, जो कि हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं होता है और हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन को क्षति पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो उन ऐप्स को आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या आपके कोई ऐप्स ही ऐप्स की वजह से ये चीज़ें हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे जानने के लिए आपको करना क्या है, आप पावर बटन को प्रेस कीजिए। ये जो पावर ऑफ दिखाई दे रहा है ना, पावर ऑफ पर आपको क्लिक करके रखना है 3 से 4 सेकंड, आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं कर देना है, इस पर आपको प्रेस करके उंगली को रखना है 3 से 4 सेकंड पावर ऑफ पे। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल में, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इस तरीके से रिबूट टू सेफ मोड, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। मैं ओके नहीं करने जा रहा हूँ, फोन बंद हो जाएगा। रिबूट टू सेफ मोड पर आपको क्लिक कर देना है, आपका फोन जो है सेफ मोड में चला जाएगा। और सेफ मोड में जाने के बाद आप वाईफाई हॉटस्पॉट खोलिए और खोल कर देखिए कि क्या आपका हॉटस्पॉट बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर नहीं होता है गाइस, तो समझ लीजिए कि जो आपका वो समस्या हो रहा है वो आपके मोबाइल के किसी सेटिंग से नहीं हो रहा है, आप जो थर्ड पार्टी ऐप जो यूज कर रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है। तो आप एक एक करके अपने थर्ड पार्टी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और सेफ मोड से दोबारा फिर से नॉर्मल मोड में आने के लिए आपको जस्ट रिबूट कर देना है अपने फ़ोन को, तो आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। तो चौथा तो आपने समझ लिया, पहला दूसरा और तीसरा और चौथा प्रोसेस आपने समझ लिया। तो यही था, और एक और फिक्स है जिसे मैं भूल रहा हूँ अभी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक और फिक्स है, तो मैं इसे देख लेता हूँ, हमने गूगल पे सर्च किया था, शायद पता चल जाए। इसका एक और फिक्स है, कैच डन, टाइम ऑफ डन, फास्ट। ओके गाइस, हाँ एक और इसका फिक्स है, अगर इन चार मेथड को फॉलो करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, तो आपने करना क्या है, आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपके फ़ोन में एक सेटिंग होता है फास्ट बूट, फास्ट बूट मोड या क्विक बूट मोड का ऑप्शन होता है। अगर उसे आप इनेबल करके रखते हैं तो एक करता क्या है कि आपको सिस्टम को
फुली ऑप्टिमाइज करके रखता है और मतलब अपनी मर्जी से सिस्टम को चलने नहीं देता है, तो अपने अनुसार चलता है। इसीलिए आपको हॉटस्पॉट को बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिक, तो आपको इसे क्लोज करके रखना है फास्ट बूट मोड को। तो इसे क्लोज करने के लिए आपको फ़ोन के अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर आना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पर। एक्सेसिबिलिटी में आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और नीचे आपको दिखाई देगा क्विक बूट। क्विक बूट के जगह आपके फ़ोन में हो सकता है फास्ट बूट भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये अगर इनेबल है तो इसे आप डिसेबल कर दें, इसे आप डिसेबल कर दें। यह था पांचवा सेटिंग। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स होगा, 100% आई एम श्योर। दोस्तों ये मुझे समस्या कई दिनों से आ रही थी, मैंने काफ़ी यूट्यूब पर सर्च किया, जो भी समस्या आता है लोग अक्सर यूट्यूब पर ही सर्च करते हैं नॉर्मली आजकल, लेकिन यूट्यूब पर एक भी ऐसा वीडियो मुझे नहीं मिला रेलिवेंट वीडियो जिससे मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकूं। इसीलिए मैंने गूगल पर सर्च किया और गूगल पर सर्च करने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिली, उस पर काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन था, हमने उसे पढ़ा बारीकी से समझा और आपको बताया। आप सोच रहे होंगे अगर वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो गाइस आप जानते हैं कि इंडिया में मोस्टली हिंदी जानने वाले लोग हैं या थोड़ा कम पढ़े लिखे भी लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, तो जो जिन्हें काफ़ी अच्छा मतलब नॉलेज नहीं है या इंग्लिश का नॉलेज नहीं है वो गूगल से नहीं समझ सकते, वो वीडियो के द्वारा ही समझेंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो आपको या किसी और को फ्यूचर में ना हो। यह था आज का वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।